हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस टेकर। गाइस, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, किंगडम प्रोटिस्टा ऑफ क्लास 11th चैप्टर 2। गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम किंगडम मोनेरा के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। अब बढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ। एंड यस, अगर आपको टॉपिक समझ में आए सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें क्या आएगा गाइस? आप जानते हैं किंगडम मोनेरा में आप पढ़ चुके हैं कि इसमें सभी बैक्टीरिया आते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा आप नहीं जानते क्या आता है। इसके बाद किंगडम फंगाई आएगा। फंगाई में आप जानते हैं जो रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर फंगाई लग जाती है सफ़ेद कलर की, उसको आपने देखा ही है अपनी रियल लाइफ में, तो वो फंगाई अलग किंगडम हो गया। उसके बाद किंगडम प्लांटे आएगा। किंगडम प्लांटे को भी आप जानते हैं जिसमें सभी प्लांट्स आते हैं। एंड देन किंगडम एनिमेलिया, सो आप किंगडम एनिमेलिया को भी जानते हैं जिसमें सभी एनिमल्स आते हैं। बट गाइज, वॉट इज किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें क्या आएगा किंगडम प्रोटिस्टा में? सो इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ओके एंड सो बढ़ते हैं गाइज। पढ़ते हैं, ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म रखे हैं? सिंगल सेल, ओके, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड है। व्हाट द मीन बाय बाउंड्रीज? मतलब घर की बाउंड्री? नहीं गाइस, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड है। इट मींस कुछ किंगडम, कुछ साइंटिस्ट जो है वो इनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट भी कहा जा सकता है। और कुछ साइंटिस्ट इनको वहीं पर प्लांट भी कहते हैं। तो फिर क्यों प्रोटिस्टा किंगडम अलग बनाया गया? क्यों इनको प्लांट में कैटेगराइज नहीं किया गया? तो इसकी कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिस वजह से इनको अलग प्रोटिस्टा में रखा गया। ओके, नेक्स्ट है, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, ट्यूबुलिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स अंडर दिस किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरी एक्वेटिक। इसके जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक, मतलब पानी में रहने वाले होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई। मतलब ये जो किंगडम है वो किस किस के बीच में डील करता है? देखिए, प्लांट के बीच में, एनिमल्स के बीच में और फंगाई, इन तीनों किंगडम के बीच में ये जो किंगडम है डील करता है। बींग यूकेरियोट्स, द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो गाइस, क्या होता है? यूकेरियोट्स है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा में। एंड ये यूकेरियोट है और इनकी जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप जानते हैं, देखिए ये पॉइंट अलग अलग लिखने का भी कोई मकसद नहीं था, आप साथ में भी लिख सकते हैं। जानते हैं यू मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे भी आप जो है अगर बोर्ड्स में लिख रहे हैं तो अलग से एक और लाइन बनाकर भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा था कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। ओके, सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सम है फ्लैजेला एंड सम है सीलिया। किसी के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला पता ही आपको लंबा सा होता है एंड सीलिया छोटा सा होता है, तो कुछ में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, कुछ में सीलिया प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ये असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्फ फ्यूजन के द्वारा करेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नो वेरी वेल जायगोट फॉर्मेशन के द्वारा होगा। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट, क्राइजोफाइट जो इनका फर्स्ट क्लास है वो क्या है? क्राइजोफाइट क्या होता है? क्राइजोफाइट में देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि क्राइजोफाइट्स में डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी आता है, जिसे डेस्मिड भी कहा जाता है। ओके, सो दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ओके, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन एनवायरमेंट। फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और समुद्र के पानी में भी मिलेगा मराइन में। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे से होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्लैंकटन। ओके, एंड वाटर में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे वाटर हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इनमें से जो मोस्टली होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऑब्वियसली आपने किंगडम मोनेरा में भी ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि किंगडम मोनेरा, वो सॉरी, किंगडम प्रोटिस्टा में, कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल व्हिच फिट टुगेदर एज इन सो बॉक्स। क्या होता है? अब देखिए, यहाँ से जो गाइस नया स्टार्ट हो रहा है वो किसके बारे में स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है डायटमेशियस अर्थ के बारे में, जो समुद्र में नीचे तली में जो डायटम्स कलेक्ट हो जाते हैं उसे डायटमेशियस अर्थ कहा जाता है। सो जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो डायटमेशियस अर्थ के बारे में ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो क्या बोल रहा है कि सेल वॉल जो है वो दो ओवरलैपिंग बना लेती है। जैसे ये सेल है, इस सेल के बाहर एक ओवरलैपिंग बन गई। सो ये ओवरलैपिंग बना लेती है विच फिट टुगेदर एज अ सो बॉक्स। द शेल, सॉरी, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। जो वॉल होती है वो वॉल के अंदर सिलिका होता है और वॉल नेवर डिस्ट्रॉय। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है इनकी सेल्स। दस डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। सो इस वजह से क्या होता है, जो डाइटम्स हैं, डाइटम्स जहां रह रहे थे उस जगह पर बहुत सारी सेल वॉल छोड़ देते हैं। ओके, दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज डायटमेशियस अर्थ। ओ माय गॉड, बिलियंस ऑफ ईयर, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं डायटमेशियस अर्थ बनने में। ओके, हो बिलियन ऑफ ईयर तक तो जिंदा रह नहीं सकते ये देखने के लिए गाइस। सो आपको ये इसी में समझना पड़ेगा कि बिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे डायटमेशियस अर्थ बनने में, मतलब बहुत सारे जो डायटम्स होंगे वो उनके पास सिलिका की कवरिंग होती है। जैसे उन्होंने बताया कि सिलिका की कवरिंग होती है, इसकी वजह से, सिलिका की कवरिंग की वजह से जो इनकी सेल वॉल है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। और क्या होता है, ये एक्युमुलेट हो जाती है समुद्र की तली में और डायटमेशियस अर्थ बनाती है। ओके, सो यहां से यहां तक क्या हो गया? डायटमेशियस अर्थ के बारे में हो गया। अब क्या है गाइस, यहां से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डायटमेशियस अर्थ के यूजेस। सो आप हेडिंग बना लीजिएगा अर्थ, ये अर्थ है एंड यहाँ पर इसके यूजेस हैं, डायटमेशियस अर्थ के यूजेस। ओके, सो क्या क्या यूजेस हैं?
बीइंग ग्रिटी दिस ऑयल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग. कैसी होती है ये? ग्रिटी होती है, किरकिरी होती है. किरकिरी होती है ये किरकिरा टाइप. तो ये किसमें इस्तेमाल होती है? पॉलिशिंग में इस्तेमाल होती है. एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सीअप. ये फिल्ट्रेशन में कैसे काम आती है गाइस? यहाँ पर एक पॉइंट अराइज होता है कि ये फिल्ट्रेशन में आकर कैसे इस्तेमाल हो सकती है. सो गाइस ये जो डायटोमेशियस अर्थ होती है इनमें बीच बीच में पोर्स होते हैं. सो उन पोर्स से क्या होता है, ये छलनी की तरह काम करता है, छनता हुआ जाता है और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो रुक जाते हैं. ये इस तरह से फिल्ट्रेशन में काम करती है ऑयल और सीरप की. नेक्स्ट, डायटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशियन. ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के, मतलब ये फूड के सोर्स के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं. नेक्स्ट है डायनोफ्लैजेलेट्स. सो देखिए डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक. ये भी मराइन हो गए एंड फोटोसिंथेटिक हो गए. ओके, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल. तो ये अलग अलग कलर के होते हैं किस बेसिस पर? जिस कलर का इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पर ये अलग अलग कलर के दिखाई देंगे. दी सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सर्फेस. इनकी जो बाहर वाली सर्फेस है वहां पर एक स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होती है. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला. देखिए जब हमने पढ़ा था इसके बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, तब उसने बताया था कि फ्लैजेला भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है. तो डायनोफ्लैजेलेट्स में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं? जिनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. ओके, आगे है वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल्टेज. जो फ्लैजेला है वो कैसे प्रेजेंट होता है? देखिए इसमें डायग्राम में भी दिखाया है. एक कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनली एंड दूसरा ट्रांसवर्सली. ओके, दोनों ही अलग अलग आइज होते हैं फ्लैजेला. एंड वेरी ऑफनली अक्सर रेड काइंड ऑफ फ्लैजेलेट, जिसका एग्जांपल दिया है गोनियोलैक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड दे मेक द सी अपीयर रेड. सो ये जो रेड डायनोफ्लैजेलेट है, जैसे कि अभी बताया कि अलग अलग कलर के होते हैं डायनोफ्लैजेलेट. अगर हम रेड डायनोफ्लैजेलेट की बात करें तो रेड डायनोफ्लैजेलेट क्या होता है? तेजी से मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, इतने सारे रेड डायनोफ्लैजेलेट बना लेता है कि समुद्र जो है पूरा सी ही रेड दिखाई देने लगता है. ओके, और इसका जो एग्जांपल है रेड डायनोफ्लैजेलेट का वो है गोनियोलैक्स. गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स गाइस मुझे नहीं पता लेकिन इसको गोनियोलैक्स को सुनके एक अजीब सा गाना सा महसूस होता है. पता नहीं कौन सा गाना है इस टाइप का कोई. आई थिंक मैंने भी अपना इसी तरह से गोनियोलैक्स को याद किया था. गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स ऐसे करके. सो ये रेड डायनोफ्लैजेलेट होता है. ओके, एंड नेक्स्ट है टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस. मतलब जिसको हम सॉन्ग सुन के एंजॉय कर रहे हैं गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स करके, तो ये जो है वो ऐसे होते हैं कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी फिशेज जो है वो मर जाती हैं समुद्र में. ओके, अच्छे नहीं है ये. नेक्स्ट, यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड्स में क्या आता है? मेजोरिटी ऑफ देम अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. ये मराइन था, ये फ्रेश था, और ये वाला जो था वो मराइन और फ्रेश दोनों था. ओके, मेजोरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. ओके, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह पर क्या होता है, पेलिकल की एक कवरिंग होती है सेल वॉल जैसी ही. और ये जो पेलिकल होती है इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और इसी पेलिकल की वजह से बोल रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है. दे हैव टू फ्लैजेला. अब इनके अंदर भी फ्लैजेला होता है और डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर भी फ्लैजेला था. अब इनका जो फ्लैजेला कैसा होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है. थ्रो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये ना बहुत चालाक होते हैं गाइस. अगर इन्हें सनलाइट मिल रही है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे ना, खाना चाहिए कैसे भी. सनलाइट मिल रही है तो ऑटोट्रॉफिक है और खाना खुद बना रहे हैं अपना सनलाइट के प्रेजेंस में. और अगर सनलाइट नहीं मिल रही, देखिए जब सनलाइट मिल रही है तब ये ऑटोट्रॉफिक है और जब सनलाइट नहीं मिल रही तब ये क्या कर जाते हैं, हेटरोट्रॉफ हो जाते हैं बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म. दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं और उनको खा जाते हैं. ओके, हेटरोट्रॉफ बनते हैं. इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट. यहाँ पर बोला है थोड़ा इंटरेस्ट लो, अगर नहीं भी आ रहा है इंटरेस्ट तो अभी इंटरेस्ट लो. ये बता रहे हैं कि जो यूग्लिनॉइड्स के अंदर पिगमेंट होते हैं वो ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो हायर प्लांट्स में होते हैं. एग्जांपल यूग्लिना. ओके, हो गया. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा. ओके गाइस, एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया. नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड में क्या है गाइस? स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है. सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट का मतलब क्या होता है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेना. दी बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. ये बहुत ही स्वतंत्रता से काम करते हैं गाइस. ये जो है ट्विग्स पर एंड लीव्स पर मूव करते हैं ना. व्हाट इज ट्विग? ट्विग होता है जो पेड़ की जो ब्रांच होती है, या पेड़ की जो ब्रांच होती है और वो डिके हो गई है. ओके, तो डिकेइंग ट्विग बोल रहा है. यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं वो डिके हो गई हैं या फिर पत्तियां डिके हो गई हैं उनके ऊपर मूव करता है एंगल, खाता जाता है अपना खाना, ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता रहता है. अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. जब इनकी सूटेबल कंडीशन आती है तब ये क्या बनाते हैं? एक एग्रीगेशन, मतलब एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम. डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर जिसे कि प्लाज्मोडियम कहा जाता है. विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. मतलब ये बड़ा हो सकता है और बहुत ज्यादा फैल सकता है. ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज अरेंज किया है स्लाइम मोल्ड्स को. सबसे पहले क्या बताया कि ये कहाँ रहते हैं? डिकेइंग लीव्स और ट्विग्स पर रहते हैं, इतना बताया. उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि इनकी सूटेबल कंडीशन में क्या होता है. तो यहाँ से अलग पॉइंट स्टार्ट होता है सूटेबल कंडीशन में. सूटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन क्या करते हैं? ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है अनफेवरेबल कंडीशन में. तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? ये जो प्लाज्मोडियम बने थे सूटेबल कंडीशन में वो डिफरेंशिएट होते हैं एंड फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं. और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या होता है? स्पोर्स होते हैं उनके सिरों पर, उनके टिप्स पर. ओके, तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हुआ और उसने फ्रूटिंग बॉडीज बना दी. और उन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर क्या है? स्पोर्स प्रेजेंट है. ओके, दी स्पोर्स पजेसेस ट्रू वॉल. अब ये जो स्पोर्स है इनके अंदर ट्रू वॉल होती है. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स. इसी ट्रू वॉल की वजह से ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस सहन कर सकते हैं और बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं इवन अंडर एडवर्स कंडीशन. ओके, तो एडवर्स कंडीशन अपोजिट कंडीशन जो होती है उसमें भी ये जिंदा रह सकते हैं. दी स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट. ये जो स्पोर्स है वो किसके द्वारा डिस्पर्स होते हैं? एयर करंट के द्वारा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटोजोअन एंड लास्ट वन प्रोटोजोअन. सो नेक्स्ट इज अबाउट प्रोटोजोअन्स. ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटरोट्रॉफ एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट. बोल रहा है कि सभी प्रोटोजोअन हेटरोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपना खाना मार कर खाएंगे किसी दूसरे को या डेड डिके से खाना खाएंगे, उन्हें नहीं पता उन्हें कैसे भी खाना चाहिए. हेटरोट्रॉफ है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है खाने के लिए. ओके, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल. एनिमल के रिश्तेदार हैं पुराने.
दे आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। यहाँ पर चार ग्रुप बोल रहा है प्रोटोजोन्स के। गाइस अभी आप वैसे ही इतनी क्लासेस पढ़कर आ चुके हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, ट्राइजोफाइट, डायनोफ्लाजेलेट, यूक्लिनॉइड्स, प्राइमोल्स। अब लास्ट में जो प्रोटोजोन आया इसकी भी चार ग्रुप बता दिया आपको। तो कौन कौन से हैं वो चारों ग्रुप? अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स, जिसमें से सबसे पहला दिया हुआ है अमीबॉइड प्रोटोजोन। क्या है इसमें? दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। कहाँ कहाँ रहते हैं ये? साफ पानी में, समुद्री पानी में और मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं। दे मूव देयर कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमीबा। तो बोल रहा है कि ये अपना खाना कैसे खाता है? ये अपना खाना ऐसे खाता है कि अपनी बॉडी से जूठे पैर फॉल्स फीट स्यूडोपोडिया को बाहर निकालता है और अपने खाने को पकड़ लेता है, जैसे कि अमीबा करता है। तो अमीबा का भी यही काम करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ओके, सो अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जांपल जो होगा वो भी अमीबा ही होगा। ओके, मराइन फॉर्म हैव सिलिका शेल ऑन देयर सर्फेस। मराइन फॉर्म में क्या होता है? इनके अंदर सिलिका की सर्फेस होती है। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट। बोल रहा है इसमें से कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, मतलब अपने खाने के लिए क्या करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर रहेंगे और उसके अंदर से अपने खाने को निकालेंगे, उसका खून चूस चूस कर अपना खाना खाएंगे, जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिक। ओके, नेक्स्ट है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन। तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स में क्या होता है? द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्री लिविंग है इस ग्रुप के मेंबर या फिर पैरासाइटिक हैं, आराम से खुले में रह रहे हैं या फिर किसी के ऊपर रहकर उसका खून चूस चूस कर खाना खा रहे हैं। दे हैव फ्लैजेला, फ्लैजेला होगा ऑब्वियसली, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन है इनके अंदर। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिसीज सच ए स्लीपिंग सिकनेस। इनकी जो पैरासाइटिक डिसीज है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रह रहे हैं और वहाँ से खून चूस चूस कर अपना खाना खाते हैं और क्या करते हैं उसके अंदर डिसीज तक कॉज कर देते हैं, ट्राइपैनोसोमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक डिसीज है गाइस। ओके, नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये क्या करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स? दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। एक्वेटिक हो गए एंड ऑब्वियसली सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है, सीलिया प्रेजेंट होंगे इनकी बॉडी में, तो सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से ये एक्टिव बहुत तेजी से मूव करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीलिया होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दे हैव अ कैविटी गुलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको गुलेट कहा जाता है और जो कि सेल की सर्फेस से बाहर की तरफ ओपन होती है। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीड इनटू द गुलेट। यहां पर जो गुलेट बताया उसका क्या काम है? देखिए क्या बोला उसने, बुलेट का काम कोऑर्डिनेशन मूवमेंट जो हो रहा है सीलिया का, मतलब सीलिया का इस तरह का मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऐसा मूवमेंट। ओके, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है सीलिया का, ये वाटर लेडन मतलब पानी को अंदर करता है, उसकी बॉडी के अंदर करता है विद फूड, खाने के साथ, जो पानी में ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो पानी के साथ क्या जाता है, खाना अंदर जाता है टू बी स्टीड इनटू द गुलेट। ओके, मतलब गुलेट से अंदर जाता है खाना पानी के साथ, इसका एग्जांपल है पैरामीशिया। ओके, स्पोरोजोअन्स दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला ऑर्गेनिज्म है, क्या करता है ये? मलेरिया कॉज कर सकता है स्पोरोजोअन्स इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। सो इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है स्पोर जैसी इसकी लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया। तो स्पोरोजोअन का एक एग्जांपल बताया है जो बहुत ही ज्यादा घातक है, नोटोरियस मतलब घातक है, जो कौन है? मलेरियल पैरासाइट, इसका नाम है प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया, जो कि मलेरिया डिजीज कॉज करता है, अ डिजीज विच हैज स्प्रेडिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसका बहुत ही ज्यादा घातक इफेक्ट पड़ता है मनुष्य की पॉपुलेशन के ऊपर। तो यही लिखा है मैंने कि इसमें क्या होता है, स्पोर लाइक एक स्टेज होती है और ये जो स्टेज होती है बहुत ही नोटोरियस स्टेज है एंड मलेरियल प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। उसके बाद मलेरिया आपको बता दिया यहाँ पर मैंने लिखकर कि मलेरिया क्या होता है, मलेरिया एक बीमारी है जिसका बहुत ही ज्यादा स्टैगरिंग इफेक्ट पड़ता है मनुष्य के जनरेशन पर। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ, जिसमें हम किंगडम फंगाई के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी तक टॉपिक समझ में आया हो सो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल साइंस ट्रैकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।